हिमाचल में जगह जगह श्री गुरु रविदास महाराज के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मंडी शहर में गुरु रविदास पंचायत कमेटी द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं संकीर्तन मंडलियों ने भी गुरु के भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है। मैं श्री गुरु रविदास पंचायत कमेटी का सचिव हूँ। आज गुरु महाराज जी का नगर कीर्तन यहाँ मंडी शहर में निकाला हुआ है, जिसमें हर समाज से समाजसेवी सामाजिक संस्थाएं और मंडी शहर के वासी सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल गुरु महाराज जी का 645वां जन्मोत्सव है, जिसको बड़ी धूमधाम से सोड़ा मल्ला मंडी में मनाया जा रहा है। इसमें कल सुबह पाठियों द्वारा पाठ किया जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे के बीच में गुरु झंडा साहब की रस्म की जाएगी, जिसमें बहुत से सामाजिक संगठन और बहुत से जो श्रद्धालु हैं कल वहाँ अपनी हाजिरी भरेंगे। और फिर उसके पश्चात लंगर का आयोजन किया गया है, जो 1:30 बजे के बीच में शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारी एक संस्था है नवज्योति खेल कूद एवं सांस्कृतिक कला मंच, जिनके द्वारा बच्चों और महिलाओं को लेकर एक खेल का आयोजन किया जाता है। और शाम जब तक अटूट लंगर का कार्यक्रम चला रहेगा और उसके बाद समापन की घोषणा की। उधर गुरु रविदास महाराज समिति सरकाघाट द्वारा 645वें प्रकटोत्सव के अवसर पर बलद्वाड़ा के गांव वार्डनी में स्थित गुरु रविदास मंदिर में 16 फरवरी तक सत्संग व कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा के छठे दिन मंगलवार को कथा वाचन नंदलाल को सुनने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान की इनी धूल वाली आंखें पहचान की, इनी धूल वाली आंखें पहचान की, इनी धूल वाली आंखें पहचान की। वहीं जोगिंदरनगर में भी मंगलवार को संत गुरु रविदास जयंती की धूम रही। इस दौरान शहर में झांकियां निकाली गई और इनकी महिमा का गुणगान किया गया। जिला परिषद सदस्य विजय भाटिया ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी तथा संत गुरु रविदास की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। आज संत रविदास महाराज के 645वें जन्म दिवस के ऊपर जोगिंदरनगर शहर में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जो भी हमारे सभाएं हैं उन सब ने भाग लिया, जितने भी रविदासिया समाज के लोग थे उन सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और आपको पता ही है कि संत रविदास एक धर्म सुधारक और समाज सुधारक रहे हैं और उनका देश के प्रति काफ़ी बड़ा योगदान है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी, सरकाघाट से पवन प्रेमी और जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।